ये स्ट्रीम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि लोग सुने और बाद में स्ट्रीम बंद करके अपने अपने घर चले जाएं, भूल जाएं 5 मिनट बाद कि मैंने क्या बात करी। आप ये अंदर ऐसे लोग बिठा सकते हैं जो बड़े बड़े जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, IAS होंगे, वकील होंगे, लॉयर्स होंगे, सब इनके सिस्टम से ब्रेन वॉश होंगे और इनके बिठाए हुए होंगे। एक ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज जो है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज, उनकी कम्युनिटी पैदा कर रहे हैं। आज का टाइम जो है वो डेटा का ही तो वॉर है, जिसके पास डेटा है ज्यादा से ज्यादा वही बादशाह है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कुछ मैं बताता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसका बड़ा नुकसान क्या होता है कि जब आप अपने बच्चे को अगर बाहर पढ़ने भेजते हो, अगर आप बाहर पढ़ने भेजोगे, आपको उसका विदेश में भेजने के लिए पैसा चाहिए, आपको वीजा का पैसा लगेगा, वहां पर उसका रहना, खाना पीना, ठहरना, आना जाना, 50 खर्चे होंगे जिसके लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए होंगे। अगर आपको इसको वेस्ट में अच्छी एजुकेशन देना है, आप नॉर्मल एजुकेशन भी दोगे इसमें भी आपके करोड़ों खर्च हो जाएंगे। अगर आप अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। तो आप सोचोगे कि इन लिबरल यूनिवर्सिटीज में पढ़ा दें जो हार्वर्ड से ही अप्रूव्ड है और वहीं की जो एजुकेशन है वो यहाँ पे चल रही है। और ये इंडिया के अंदर इन यूनिवर्सिटीज को फंडिंग भी इसलिए मिलती है बिल गेट्स फाउंडेशन से या दुनिया भर की वेस्ट से और बड़े बड़े क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग भी इसलिए मिलती है इन यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि इनका एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है। सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है, सरकार इंटरफेयर करेगी तो ये लोग फंडिंग देना बंद कर देंगे। और सरकार को चाहिए कि इन यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन में इंटरफेयर करे। ये स्ट्रीम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि लोग सुने और बाद में स्ट्रीम बंद करके अपने अपने घर चले जाएं, भूल जाएं 5 मिनट बाद कि मैंने क्या बात करी। किसी बड़े वकील को चाहिए कि वो, या बड़ी गवर्नमेंट अथॉरिटी के इंसान को चाहिए, ये बात जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं कि वो आगे ये बात, अगर कोई वकील या कोई पॉलिटिशियन मेरी बात सुन रहा है, कि सरकार जो है वो एजुकेशन सिस्टम को देखे कि इन बड़ी लिबरल आर्ट्स वाली यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो इंडिया के फ्यूचर के लिए कैसा है। और अगर वो गलत है जो ये लोग अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, एक जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो इसको रोका जाए, इसे खत्म करा जाए और इन फंडिंग्स को भी रोका जाए। और इंडिया जो है एक कंज्यूमर बन चुका है वेस्टर्न एजुकेशन का। एक चार्ट है जो राजीव मल्होत्रा जी ने अपनी किताब में बनाया था कि हमें क्या मिल रहा है इन यूनिवर्सिटीज से, कि इजी एक्सेस टू इंडियन स्कॉलर्स फॉर बाय वर्क। अब इसमें क्या मिल रहा है कि बड़ा लोग तो पैसा कमा रहे हैं, जो बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वो तो पैसा कमा रही हैं हमें ये एजुकेशन सिस्टम दे के। इंडिया का उन्हें पूरा डेटा मिल जाता है, यहाँ के स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं यहाँ पे थीसिस करवा के, सर्वेस करवा के यहाँ का पूरा डेटा कलेक्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या चल रहा है उससे बहुत अच्छे से वाकिफ है, पॉलिटिकली या ग्राउंड लेवल पे एक एक चीज से वाकिफ है और उसको कैसे मैनिपुलेट करना है वो ये कर सकते हैं और ये नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप दे देकर फ्री की आप ये अंदर ऐसे लोग बिठा सकते हैं जो बड़े बड़े जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, IAS होंगे, वकील होंगे, लॉयर्स होंगे, सब इनके सिस्टम से ब्रेन वॉश होंगे और इनके बिठाए हुए होंगे। तो फिर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम, यहाँ के हेरिटेज को, इसको जो इंडिया के टैक्स पेयर्स का पैसा है वो इस फॉरेन की जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है इन एजेंट्स को, इसी को फंड करने में जा रहा है। ये हमारा नुकसान है, हम नैरेटिव अपने हाथ से खो रहे हैं, अपनी जड़ खो रहे हैं और हम एक ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज जो है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज, उनकी कम्युनिटी पैदा कर रहे हैं। और ये बहुत एक अच्छा आइडिया लोगों को लगता है कि इंडियन स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी बिना बाहर जाए, यानी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, वही एजुकेशन अपने देश में रहते हुए मिल जाएगी। और इसका क्या नुकसान होता है, जो क्या भुगतना पड़ता है वो हमने देख लिया। एक लास्ट पॉइंट जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इंडिया के टैक्स बेनिफिट भी उठा रही है। मुंबई में जो हार्वर्ड बेस्ड ग्लोबल रिसर्च सपोर्ट सेंटर जो है वो इंडिया के टैक्स के पैसे से ही पूरा यहाँ पे जो इंडिया का एक डेटा है मास लेवल पे वो कलेक्ट करता है। और आज का टाइम जो है वो डेटा का ही तो वॉर है, जिसके पास डेटा है ज्यादा से ज्यादा वही बादशाह है। 2008 में फेसबुक का डेटा लीक हुआ था जिसपे मार्क जुकरबर्ग पे केस चल गया था और पूरा डेटा जो है रशिया ने हैक कर लिया था फेसबुक का, 2018 का डेटा। मार्क जुकरबर्ग को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जुर्माना लगा था। तो आखिर सिर्फ डेटा क्या कीमती होगा, नॉर्मल लोगों का डेटा जो रोजमर्रा बातें करते हैं वो भी कितना इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए या दुनिया की अलग अलग गवर्नमेंट्स के लिए, चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है वो लोग नहीं जानते। तो ये जो डेटा है वो हाथ लग जाता है और ये खुद इंडिया के अंदर ही अंग्रेज जो है ऐसे यूथ खड़े कर देते हैं जो इंडिया को ब्रेक करते हैं और एक सैलाब की तरह ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस बन जाते हैं उसके अपने अंदर ऐसे लोग जो उसके कल्चर को खत्म करें। और इसीलिए इंडिया में आप देखते हो माओइस्ट मूवमेंट है, जो माओ ज़ेडोंग को मानते हैं, जितने भी नक्सलाइट्स होते हैं, जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता वो आदिवासी कैसे ईसाई हो रहे हैं, माओइस्ट हो रहे हैं, या मोस्टली आदिवासी जो है वो माओइस्ट है। एक मूवी थी बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, इन माओइस्ट लोगों को किस तरह मैनिपुलेट करा जा रहा है
अगर वो देखना है तो मूवी देखें कश्मीर फाइल्स के बाद। वो एक मूवी है जो मैं रेकमेंड करता हूँ लोगों को देखने के लिए। एक बहुत लो बजट मूवी है बट उसने बहुत अच्छे से एक्सपोज करा है। और लो बजट मूवीज का यही हाल होता है क्योंकि जो कंट्री के अगेंस्ट है, उनको नुकसान पहुंचाने वाली पावर्स, उनके पास तो बहुत पैसा होता है, उनके पास बहुत फंडिंग, उनके पास बहुत चीजें होती है। बट हम जो हक बात करते हैं, हमारे पास क्या सोर्स है फंडिंग का, हमें कौन सपोर्ट करेगा? हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा नहीं है या अडानी के पास, इतना जोशुआ प्रोजेक्ट में लगा दिया पूरे एशिया के अंदर क्रिश्चियनिटी फैलाने को। सबसे बड़ा चैनल यूट्यूब पे प्रॉफिट बजेंद्र सिंह है, जो मेरा यसु यसु करता या तेरी माँ बोलती थी बोलने लग गई, वो इंसान सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल चला रहा है। जब वो लाइव जाता है तो उस पर आप देखें 26,000-30,000 व्यूज तक मैंने देखे, तो कितना पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। हो सकता है वो नकली व्यूज हो, वो बॉट्स हो, वो सब्सक्राइबर्स तक नकली हो, उन तक को परचेज कराओ ताकि प्रोपेगेंडा को आगे फैलाया जाए। इवन सबसे ज्यादा अगर आप ट्रैफिक देखोगे तो वो भी क्रिश्चियन मिशनरीज वेबसाइट पर है। तो कैसे यूथ को ब्रेन वॉश हो रहा है, कैसे एक इंसान को दवा इलाज के नाम पे या एक वक्त के चाय समोसे के नाम पे, रोटी के नाम पे, राइस बैग के नाम पे कन्वर्ट करा जा रहा है? तो कैसे ये कम्युनिस्ट ईसाई जो कैसे काम कर रहे हैं, और कैसे इंडिया को ब्रेक करना कि किसी तरह कश्मीरियों को भड़काया जाए वहां पे? और अभी आप देखें, जब हमें लिथियम जो है उसको हमने डिस्कवर करा कश्मीर में, और हम उसे कभी डिस्कवर नहीं कर पाते, बट वो तो धारा 370 हटी, आर्टिकल 370 जब हटता तो उसके बाद वो चीज जो है वो डिस्कवर हो पाई, वरना वो कभी डिस्कवर नहीं होता कि हमारे पास जो है व्हाइट गोल्ड जो है हमारी जमीन के नीचे इतना है, और दुनिया में हमें हर साल 8,000 करोड़ का लिथियम जो है वो चाइना से लेना पड़ता है। तो अगर लिथियम हमारे पास है तो फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का है,